बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थाई के मसल्स के साथ रिलेटेड है, यानी जितने भी थाई रीजन के मसल्स होंगे हम उनको आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो है हम थाई मसल्स के जो कंपार्टमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो थाई के रीजन है उसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं। एक हमारे पास जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, फिर इसके जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं इनमें जो हमारे पास होंगे फिर हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे पास जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट है। अब सबसे पहले जो है अगर हम वन बाय वन मसल्स को देखें तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट मसल यहाँ पे है ये हमारे पास साल्टोरियस है। ये हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, और इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास यहाँ से लेके एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन से लेकर और टिबिया तक जो है इसकी इंसर्शन है। अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ तो ये बॉडी का जो है हमारे पास सबसे लॉन्ग जो है मसल है, और ये हमारे पास इसका ओरिजिन एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन से लेकर और टिबिया के ऊपर है। तो ये हो गया साल्टोरियस मसल। अब जो है अगर मैं इसको रिमूव करूँ मसल को तो फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाता है रेक्टस फेमोरिस मसल। ये रेक्टस फेमोरिस मसल अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ तो ये हमारे पास वाइड मसल है जो हिप जॉइंट को क्रॉस करता है। तो अगर हिप जॉइंट यहाँ पर है तो ये हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट का ये वो मसल है जो हमारे पास हिप जॉइंट को क्रॉस करेगा, और इसकी जो अटैचमेंट होगी इसके 2 हेड्स होंगे। एक हमारे पास जो है ओरिजिन ले रहा होगा इन्फीरियर एलियक स्पाइन से एंटीरियर इन्फीरियर एलियक स्पाइन। अगर ये हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन है तो ये हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर एलियक स्पाइन है, और ये हमारे पास जो इसका रिफ्लेक्टेड हेड है ये हमारे पास यहाँ पे इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। जो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो इस सरफेस को सेपरेट करती है, और ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन इसको जो नीचे सरफेस की अटैचमेंट देती है, तो ये यहाँ पर आके हमारे पास अटैच हो जाता है रिफ्लेक्टेड हेड इसका। अगर इसको मोस्ट देखें तो हमारे पास ये इंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन है, और इसके नीचे हमारे पास मीडियल इसके लेटरल एस्पेक्ट में इंटीरियर एलियक स्पाइन के हमारे पास रिफ्लेक्टेड हेड अटैच होता है, और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के नीचे। और इसकी जो हमारे पास इंसर्शन होती है वो हमारे पास नी जॉइंट के टेंडन के ऊपर होती है। ये हमारे पास जो है ये नी जॉइंट के टेंडन है जो यहाँ पर है, इसको नी जॉइंट के टेंडन कहेंगे, और ये हमारे पास रेक्टस फेमोरिस यहाँ पे आके नी जॉइंट को स्टेबल कर रहा होता है। हमारे पास जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास जो एक आसान तरीका इसको याद करने का वो ये है कि हमारे पास क्वाड का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब इन क्वाड्रिसेप्स में हमारे पास एंटीरियर के 4 मसल्स आते हैं। एक हमारे पास जो है वो रेक्टस फेमोरिस मसल आ गया। अब जो हमारे पास इसके मीडियल साइड पर होगा उसको वेस्ट्रस मीडियालिस कहेंगे, और एक जो इसके हमारे पास वेस्ट्रस लेटरालिस लेटरल साइड पे होगा उसको वेस्ट्रस लेटरालिस कहेंगे, और एक जो इसके नीचे होगा और दोनों वेस्ट्रस मसल्स के दरमियान में होगा उसको वेस्ट्रस इंटरमीडियस कहेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये वेस्ट्रस इंटरमीडियस मसल आ गया। ये हमारे पास वेस्ट्रस मीडियालिस और ये हमारे पास वेस्ट्रस लेटरालिस। अब इसको जो है अगर इसकी वन बाय वन जो है इसकी ओरिजिन और इंसर्शन देखें तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ पे आके रेटिनाक्यूलम बैंड बनाते हैं। ये जो वाइट है ये रेटिनाक्यूलम बैंड्स हैं। ये दोनों साइड पर आके जो रेटिनाक्यूलम बैंड्स होते हैं ये यहाँ पर आके नी में अटैच हो जाते हैं पेटला पे, और ये जितने भी हमारे पास ये क्वाड्रिसेप्स के मसल्स होते हैं ये हमारे पास नी जॉइंट को स्टेबल कर रहे होते हैं। अगर इस पेटला के टेंडन को जो है मैं रिमूव करूं तो हमारे पास नीचे जो है वो पेटला नज़र आएगा। तो ये हमारे पास जो वेस्ट्रस मीडियालिस मसल है ये हमारे पास यहाँ पे पेटला को आके होल्ड कर लेता है। ये मसल यहाँ पे देखें कि ये इसको आके होल्ड कर रहा है। अब इसके होल्ड करने की वजह से क्या होगा कि जब हमारे पास एक्सटेंशन होगी नी की तो ये हमारे पास पेटला को इस तरफ जो है वो सपोर्ट देगा, और ये जो है लेटरल साइड पर जो है ये मूव नहीं करेगा पेटला। तो ये जो हमारे पास मसल है ये हमारे पास नी जॉइंट को स्टेबल कर रहे होते हैं। अब अगर वेस्ट्रस इंटरमीडियस को देखें तो इसका जो हमारे पास ओरिजिन है ये हमारे पास शाफ्ट से लेकर यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट से लेके यह यहाँ पे इंटरट्रोजेंट्रिक लाइन है हमारे पास फीमर की, और ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पर आके पेटला के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। एक और जो बात है इसकी कि ये हमारे पास जो होता है इंटरमीडियस मसल ये यहाँ पर आके एक और स्मॉल सा मसल बना देता है पेटला के टेंडन के नीचे, जिसको कहते हैं आर्टिकुलरिस जीनस मसल, और ये आर्टिकुलरिस जीनस मसल भी पेटला की जो है वो स्टेबिलिटी में काम आता है। अब हमारे पास जो इसके अलावा हमारे पास मसल है अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये हमारे पास जो नीचे वाला मसल है इसको कहेंगे आर्टिकुलरिस जीनस मसल, जो मैंने अभी बताया कि ये भी हमारे पास नी के ऊपर आकर जो है वो लग रहा होता है और इंसर्ट हो रहा होता है, और ये हमारे पास जो होता है ये नीज़ जॉइंट को स्टेबलाइज़ करता है। इसके अलावा मेरे पास जो मसल है यहाँ पे वो है वेस्ट्रस मीडियालिस मसल। तो ये वेस्ट्रस मीडियालिस मसल मीडियल साइड पे जो है वो रेक्टस फेमोरस के लाई करता है और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि हमारे पास ये ओरिजिन इसका जो है हमारे पास शाफ्ट ऑफ द फीमर, प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द फीमर से लेकर पेटला जॉइंट के ऊपर है। तो ये हमारे पास पेटला के ऊपर इंसर्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसको क्या होगा कि ये नी जॉइंट को स्टेबल करेगा। ये हमारे पास पेटला का टेंडन है और ये हमारे पास पेटला इसके नीचे है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आके अटैच हो रहा है। ये इसकी ओरिजिन इंसर्शन थी। एक मसल जो हमारे पास क्वाड्रिसेप का रह गया वो हमारे पास है वेस्ट्रस लेटरालिस मसल। अगर हम वेस्ट्रस लेटरालिस मसल को जो है वो डिस्कस करें, सॉरी ये हमारे पास वेस्ट्रस लेटरालिस मसल है, तो अगर हम इसको आइसोलेट करें तो ये इसके जो ओरिजिन और इंसर्शन हम देखें तो ये हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोजेंटर पे इंसर्ट ओरिजिन है और ये भी हमारे पास पेटला के ऊपर जो है ये इंसर्ट हो रहा है और ये भी पेटला को जो है इसकी मीडियल रोटेशन को एंटी कर रहा है। मतलब अगर पेटला मीडियल साइड पे मूव ना कर दे इसलिए इसको लेटरल साइड पे अट्रैक्ट कर रहा है। और अब मीडियल जो मसल है अगर मसल जो है वो लेटरल साइड पे पेटला लेटरल साइड पे ना मूव कर जाए तो उसको मसल जो है मीडियालिस जो है वो उसको मीडियल साइड पर जो है वो खेच के रख रहे हैं। इस तरह ये नी जॉइंट को स्टेबल कर रहे हैं और अपनी पोजीशन में होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये थे हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, जिनमें हमारे पास समरी अगर देखें तो एंटीरियर में कौन कौन से मसल थे। हमारे पास सार्टोरियस मसल था, रेक्टस फेमोरिस मसल था और वेस्ट्रस मीडियालिस मसल था और वेस्ट्रस लेटरालिस मसल था। और इनकी भी अगर एंटीरियर में स्पेसिफिकेशंस देखें तो अगर मैं सार्टोरियस को रिमूव कर दूँ तो ये जो चार मसल्स हैं हमारे पास रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, और हमारे पास वेस्ट्रस मीडियालिस और वेस्ट्रस लेटरालिस और अगर रेक्टस फेमोरिस के जो नीचे है इसको कहेंगे वेस्ट्रस इंटरमीडियस। तो ये चार जो हैं हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस जो है वो मसल्स होते हैं, ये इनको क्वाड्रिसेप मसल्स कहते हैं। अब हमारे पास ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे तो इनको हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब जो हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। ये मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास ज़्यादातर इसको याद रखने का क्या तरीका है मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स का कि इसमें मोस्टली हमारे पास एडक्टर्स मसल होंगे और एक हमारे पास पेक्टीनियस मसल होगा। पेक्टीनियस मसल जो है हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला मसल है यहाँ पे मीडियल कंपार्टमेंट का, इसको हम पेक्टीनियस मसल कहेंगे। इसकी ओरिजिन और इंसर्शन अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन हमारे पास ये पेक्टिन ऑफ द प्यूबिस से लेकर ये हमारे पास पेक्टिन ऑफ द प्यूबिस है और हमारे पास ये जाके पेक्टीनियल लाइन ऑफ द फीमर पर अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास पेक्टीनियल मसल की जो है ओरिजिन और इंसर्शन है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरा मसल यहाँ पर होगा, अगर पेक्टीनियस को हम रिमूव करें तो दूसरा जो मसल है हमारे पास ये एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है। तो एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल की जो हमारे पास लोकेशन है वो है प्यूबिक ट्यूबर्कल के और प्यूबिक सिम्फाइसिस के दरमियान। तो ये हमारे पास प्यूबिक ट्यूबर्कल है और यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा होता है। तो मोस्ट अगर हम लोग इसकी ओरिजिन का देखें तो हमारे पास प्यूबिस से ये राइज़ हो रहा होता है और अगर प्यूबिस में भी स्पेसिफिकली देखें तो इन बिटवीन प्यूबिक ट्यूबर्कल एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये इसकी हमारे पास एडक्टर लॉन्गेस्ट की ओरिजिन हो गई। और अगर हम इसकी इंसर्शन को देखें तो इसको हम आइसोलेट करें तो ये हमारे पास लिनिया एस्प्रा के मीडियल लिप पर लग रहा होगा और हमारे पास जो बोन का नीचे वाला हाफ होगा उसके ऊपर होगा। तो ये हमारे पास लिनिया एस्प्रा लाइन है। इसके लिए जो अगर आपने लैंडमार्क्स आपको नहीं आते तो आप हमारे पास जो दूसरी वीडियो है इसकी ऑस्टियोलॉजी ऑफ फीमर की उसको देखें और जो हिप के मसल हैं उसकी वीडियोस को भी देखें चैनल में जाके, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं पेक्टिनियल लाइन की और लिनिया एस्प्रा की। तो ये जो हमारे पास एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है ये हमारे पास लिनिया एस्प्रा के मीडियल एस्पेक्ट में हमारे पास जो है वो लग रहा है। अब हमारे पास जो एडक्टर लॉन्गेस्ट के अलावा हमारे पास जो मसल होगा उसको हम कहेंगे एडक्टर ब्रेविस मसल। अगर हमारे पास एडक्टर लॉन्गेस्ट है तो हमारे पास एडक्टर ब्रेविस भी होगा। ब्रेविस लैटिन में कहते हैं शॉर्ट को। तो ये हमारे पास एडक्टर ब्रेविस मसल हो गया। अब अगर हम इसको जो है वो आइसोलेट करके इसके ओरिजिन और इंसर्शन को देखें तो ये हमारे पास इन्फीरियर रेमस से जो है हमारे पास अराइज हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी है जो कि सिम्फाइसिस बना रही होती है और ये इसकी इन्फीरियर रेमस है और ये इसकी सुपीरियर रेमस है। तो जहाँ से ये इन्फीरियर रेमस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये मसल भी स्टार्ट हो रहा है। और ये एडक्टर ब्रेविस हमारे पास मीडियल अपर जो मीडियल लिप का हाफ है, उस पर जाके ये लिनिया एस्प्रा पे अटैच हो रहा है। तो अगर ओरिजिन देखें तो हमारे पास प्यूबिस और इंसर्शन देखें तो हमारे पास लिनिया एस्प्रा का अपर हाफ जो है। एडक्टर ब्रेविस मसल भी हमारे पास हो गया। लार्ज जो हमारे पास अब मसल होगा लास्ट वाला लार्ज मसल है, उसको कहते हैं एडक्टर मैग्नस मसल, जो कि दो जगह से ओरिजिन लेके और एक जगह पे इंसर्ट हो रहा है। जो हमारा ये एडक्टर का जो है लास्ट और लॉन्ग जो बिगेस्ट मसल है एडक्टर्स में से मीडियल कंपार्टमेंट का, ये एडक्टर मैग्नस मसल है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। तो इसके जो हमारे पास ओरिजिन है ये हमारे पास लिनिया एस्प्रा और फिर हमारे पास प्यूबिस इन्फीरियर रेमस, ठीक है, और हमारे पास ये अटैच हो रहा है जाके मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर के ऊपर। तो ये हमारे पास सुप्रा कॉन्डाइलर रिज है यहाँ पे, जो कि इसके ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है और इसके ऊपर जो लाइन है इसको सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन कहेंगे, और ये यहाँ पर जाके हमारे पास अटैच हो रहा है एडक्टर मैग्नस मसल। तो ये हमारे पास एडक्टर मैग्नस मसल था। अब अगर हम बात करें लास्ट जो हमारे पास मसल है मीडियल कंपार्टमेंट का, वो हमारे पास है ग्रेसिलस मसल। तो ग्रेसिलस मसल को अगर हम देखें तो मोस्ट मीडियल मसल हमारे पास ग्रेसिलस मसल है, और ये हमारे पास जो है प्यूबिस से अराइज होता है, यहाँ से ओरिजिन इसका है, और ये जाके अटैच हो रहा होता है टिबिया पे। अब टिबिया बोन क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, तो लेकिन इसका जो इंसर्शन है वो हमारे पास टिबिया के ऊपर है। तो ये हमारे पास ग्रेसिलस मसल हो गया। ये हमारे पास जो है ये इंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स थे। अब जो हमारे पास बैक पे नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। लास्ट में हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स के मसल हैं, थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, जिनमें हमारे पास इनको मसल्स को कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। और इनकी ज़्यादातर जो हमारे पास ओरिजिन है ये हमारे पास ईशियम है, और ईशियम की भी अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी से हमारे पास ये सारे मसल्स अराइज़ हो रहे होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास पहला मसल है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस। इसका अगर शॉर्ट हेड देखें तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के ओरिजिन्स डिफरेंट हैं और इंसर्शन हमारे पास सेम है। तो ये लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी, ये हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी है, और ये ईशियल ट्यूबरोसिटी से हमारे पास ओरिजिन ले रहा है, और ये जाकर इंसर्ट हो रहा है हेड ऑफ द फिबुला में। तो ये हमारे पास हेड ऑफ द फिबुला होगा। इस जगह पे हमारे पास लेटरल साइड पे फिबुला बोन होगी, जो कि यहाँ पर नहीं शो हो रही। तो ये हमारे पास हेड ऑफ द फिबुला में जाके इंसर्ट होगा, और इसका जो ओरिजिन होगा लॉन्ग हेड का वो हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी से होगा। अब अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो मेरे पास नीचे आ जाता है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस। इसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो हमारे पास लिनिया एस्प्रा से है। इस जगह पर हमारे पास जो है वो लिनिया एस्प्रा लाइन होती है। तो ये हमारे पास लिनिया एस्प्रा से जो है अराइज़ होता है, ओरिजिन लेता है, और हमारे पास फिबुला के हेड पे जाकर अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये हैमस्ट्रिंग के दो मसल्स थे, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड और बाइसेप्स का शॉर्ट हेड। अब हमारे पास जो बाकी के दो मसल्स हैं उनमें हमारे पास है सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये दोनों मसल भी हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी से जो है वो ओरिजिन ले रहे होते हैं, और इनकी जो इंसर्शन होती है वो हमारे पास टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट पर होती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इस जगह पे नीचे जो होगी वो टिबिया की बोन होगी। तो ये टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट पर जो है इनकी इंसर्शन है, और इनका अगर ओरिजिन देखें वन बाय वन तो ये हमारे पास कहाँ से है, ईशियल ट्यूबरोसिटी से। तो मेनली जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं वो उनका जो ओरिजिन हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी से है, और हमारे पास जो इंसर्शन है वो टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर है। तो ये हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, ये वाला सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये देखें ये टिबिया के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। और अगर हम इसको दूसरे मसल को देखें सेमी टेंडेनोसिस, तो ये भी टिबिया के यहाँ पर जाके अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास दो मसल से। तो ये हमारी सारी की सारी वीडियो थी, जो कि थी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल के ऊपर। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।